नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मीरगंज में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। मीरगंज में सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेश गंगवार व पूर्व विधायक सुल्तान बेग की अगुवाई में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में तहसील परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सी उमर दराज खां व प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने उन्हें तहसील गेट पर रोक दिया, जहां सपाइयों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। सूचना मिलते ही SDM ममता मालवीय उनके बीच पहुंची। सपाइयों ने उन्हें 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जाहिद हुसैन शेरी, ताहिर हुसैन, अफसन खान, सलीम अंसारी, अजहर हुसैन, जयपाल यादव, राम सिंह गंगवार, रवि गंगवार, जीशान अंसारी, शमसुल खान, जफर खान, राम प्रसाद यादव, शिवम कुमार आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व सपाइयों ने साप्ताहिक बाजार के फील्ड में बैठक की। मीरगंज संवाददाता दानिश अख्तर की रिपोर्ट। कीमत जो है, मैं और सारे टैक्सी लगा के 800 रुपए है और उस थर्मामीटर को इस सरकार ने 5,500 में खरीदा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा? और भी कई सारे इक्विपमेंट जो उन्होंने खरीदे हैं बाजार के धाम रेट से 800-900 गुना ज्यादा रेटों पर खरीदे गए। हम ये चाहते हैं इनकी जांच होना चाहिए, ईमानदारी से जांच होना चाहिए और इसकी किसी हाई कोर्ट के जो निर्भर वर्तमान हमारा जो हाई कोर्ट का कोई जज है उससे वो जांच करें इसकी, और इसमें अगर सरकार दोषी पाई जाती है तो तत्काल सरकार को मुअत्तल किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अच्छा, ये जी इसके अलावा और भ्रष्टाचार। दूसरी बात, आप पुलिस का देखिए रवैया, पुलिस का रवैया क्या बताएं आपको। यहाँ पर एक हमारी एक ब्राह्मण की बेटी से बलात्कार हुआ जो परचाई की रहने वाली थी। ब्राह्मण ने बलात्कार किया, ब्राह्मण की बेटी से बलात्कार किया, वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल का प्रभारी है, मंडल का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ नामजद मुकदमा है, लेकिन आज तक वो जेल के अंदर।